कांवड़ियों की गुंडागर्दी में पुलिस वाले भी शामिल हो रहे हैं कांवड़िया मदरसों पर हमले कर रहे हैं लेकिन इसी बीच कांवड़ियों का साथ देते पुलिस वाले की भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो मदरसे के गेट पर डंडे से हमले कर रहा है जिसने अपने हाथ में धार्मिक झंडा ले रखा है और उत्पात मचा रहा है दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ लोग धार्मिक नारे के साथ मदरसे के आगे नारे लगाते हैं हापुड़ के बड़े मदरसे में घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन जब मदरसे के जिम्मेदार लोग उन्हें देखते हैं आते हुए तो वो गेट बंद कर लेते हैं तो ये कावड़िया डंडों से मारकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं इन नफरती लोगों में पुलिस वाले भी शामिल हैं जो मदरसे के गेट पर डंडे बजा रहे हैं अब आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं सबसे पहले ये तस्वीर देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे कि व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने एक आदमी खड़ा है जिसने हाथों में धार्मिक झंडा लिए हुआ है लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें ये धार्मिक झंडे के डंडे से मदरसे के गेट पर हमला कर रहा है ये वही सेम व्यक्ति है जो मदरसे के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और नफरत फैला रहा था लेकिन अब आप लोगों को एक और तस्वीर दिखाते हैं ये तस्वीर देखिए जिसमें ये पुलिस की ड्रेस में खड़ा है साथ में पुलिस की गाड़ी है इस ड्रेस पे नाम का बैच लगा हुआ है लेकिन यही व्यक्ति मदरसे पर हमले भी कर रहा था मतलब एक तरफ तो यह मदरसे पर हमले करते हुए दिखाई दे रहा है वहीं दूसरी तस्वीरों में ये पुलिस की वर्दी में दिखाई दे रहा है जिसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस भी गुंडों का साथ दे रही है क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस कांवड़ियों का साथ मिलकर मदरसे पर हमला कर रही है अगर ये इंसान वाकई ही पुलिस वाला है तो इस पर सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए हापुड़ से आने वाली ये तस्वीरें पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं कि क्या पुलिस वाले खुद कावड़ियों के साथ मिलकर माहौल खराब कर रहे हैं नफरत फैला रहे हैं अमन चैन बिगाड़ रहे हैं अगर ये पुलिस का सिपाही है तो इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश के लिए इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि न्याय करने से ज्यादा उत्तर प्रदेश में न्याय होता हुआ दिखाई दी खैर दोस्तों आप लोग क्या लगता है इस वीडियो पर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ